हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि 2, 3 और 4 अप्रैल के दिन आपके जीवन में बड़ी घटनाएं घटित होंगे जिनसे होश उड़ने वाले हैं। अगर आपकी भी राशि तुला है तो आपको 2, 3 और 4 अप्रैल के दिन विशेष रूप से सावधान और सतर्क होकर रहने की जरूरत रहेंगे और आपको होने वाली घटनाओं के कारण कई प्रकार के दुविधापूर्ण स्थितियों से भी गुजरना पड़ सकता है। अगर आपकी भी राशि तुला है तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशि फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपको 2, 3 और 4 अप्रैल के दिन आपके जीवन में बड़ी घटनाओं के साथ साथ आपको बड़ी खुशखबरी भी मिलेंगे जिनको जानना आपके लिए काफी आवश्यक रहेंगे और आपको इन खुशखबरियों के कारण काफी ज्यादा प्रसन्नता मिलेंगे। मित्रों, कुबेर देव की कृपा से आपकी गरीबी का समय समाप्त होंगे और आपके धन और वैभव के काफी ज्यादा प्राप्ति हो सकेंगे। आपके सभी सपने सच होंगे। आप जो भी खरीदना या लेना चाहते हैं उसे लेने के लिए तैयार रहेंगे। आप विदेश में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए काफी अच्छे तरक्कियों को पा सकोगे। नौकरी के क्षेत्र में चल रहे प्रयास आपके पूरे होंगे। वैवाहिक संबंधों में मधुरता बढ़ेंगे और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेंगे। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकोगे। परंतु इन सबों के बावजूद आपको 2, 3 और 4 अप्रैल के दिन विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत रहेंगे क्योंकि इन 3 दिनों में होने वाली घटनाओं के कारण आपको कई प्रकार के मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको अपने कामकाज में विशेष लाभ मिलेंगे। व्यापार, नौकरी और विद्या के क्षेत्र में सभी कार्य उत्तम ढंग से पूरे होंगे और आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं पूर्ण होंगे और शनिदेव की कृपा से नौकरी के क्षेत्र में आपको तरक्की की खुशखबरी मिलेंगे। आपके द्वारा की गई मेहनत का अच्छा लाभ मिलेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि बुध की राशि परिवर्तन की वजह से नौकरी के क्षेत्र में आपको तरक्की की खुशखबरी मिलेंगे। आपके द्वारा की गई मेहनत का अच्छा लाभ मिलेंगे और बजरंगबली की कृपा से आप लोगों के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगे। आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा धन दौलत होंगे और शनिदेव की कृपा से व्यापारियों को व्यापार में बड़े लाभ होंगे। अविवाहित जातकों को विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। इस समय आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। आप अपने जीवन में बहुत जल्द नई खुशियां प्राप्त करोगे और आपके द्वारा आरंभ किया गया कार्य फायदेमंद साबित होंगे। आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख दर्द समाप्त होंगे तथा आपको 2, 3 और 4 अप्रैल के दिन कई प्रकार के सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होंगे और कई प्रकार के आपको मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा, नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आपको बड़ी कामयाबी मिलेंगे और आपको अपने लाइफ में होने वाले परिवर्तनों के लिए काफी अच्छे और सुनहरे प्राप्ति हो सकेंगे। तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपका आने वाला समय बेहतर रहेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा से भाग्य का पूरा सहयोग मिलने वाला है। आपके काम काज आसानी से पूरे होंगे। अचानक आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकेंगे। आपके सेहत अच्छी रहेंगे। धन संबंधित कार्यों में कोई बड़ी सफलता मिलेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेंगे और पुराने निवेश का आपको अच्छा खासा नतीजा मिल सकेंगे। आप ऑफिस में दूसरों के सामने अपना मत रखने में सफल रहोगे। छात्र अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर सकेंगे। सेहत के प्रति आपको सतर्क रहने की जरूरत रहेंगे और आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने होंगे। आप नई दोस्ती के मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखें और किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके व्यवहारों को अच्छे से समझें। पारिवारिक जीवन में जो परेशानियां चल रही थी उनका समाधान होंगे। कार्यस्थल में बड़े अधिकारी आपका पूरा सहयोग करेंगे और लाभ के कई अवसर हाथ
हाथ लगेंगे। आपको अपने किसी नई योजनाओं में अच्छा खासा फायदा मिलेंगे। आपके द्वारा किया गया निवेश लाभदायक साबित होंगे। संतान को अपने अपने क्षेत्र में तरक्की और सफलता मिलेंगे, जिनसे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलेंगे। कार्यस्थल का माहौल आपके फेवर में रहेंगे और रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल होंगे। आपकी व्यवसायिक यात्राएं सफल रहने के योग हैं। परिवार वालों का सहयोग और प्यार प्राप्त होंगे। आपके कुछ मित्र मददगार साबित होंगे। ऑफिस में आपके काम और गुणों की प्रशंसा होंगे। आपको अपने जीवन साथी का पूरा आनंद और सहयोग मिलेंगे। आपकी पदोन्नति और आपके रैंकिंग में बढ़ोतरी होंगे। घर परिवार से रोगों और कष्टों का अंत होंगे। प्रेमी प्रेमिका के बीच नजदीकियां बढ़ेंगे। आपके विवादित मामले आसानी से सुलझ सकेंगे। आपको किसी बड़े समारोह में जाने का मौका मिल सकेंगे और सच्चे मन से भगवान विष्णु जी की पूजा करके शुरू किया गया कार्य सफल होंगे। इनकम के क्षेत्र में वृद्धि होंगे। आपके किस्मत चमकने वाली है। आप अपने जीवन में अपार सफलताएं अर्जित करने में कामयाबी हासिल करेंगे। क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेंगे। आपका क्रोध आपके कार्य को बिगाड़ सकता है। वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकोगे। कुछ लोगों को व्यापारिक और शैक्षणिक लाभ मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए आगे बढ़ने के अनुकूल समय की प्राप्ति होंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में प्यार बना रहेगा और किसी महत्वपूर्ण कार्य के बारे में आप पूरा कर सकोगे। आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ होंगे। रिश्तों में कुछ अनबन हो सकती हैं, उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपको कई सारे सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होंगे, परंतु कुछ आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और आपके जीवन में बड़ी घटनाएं भी घटित होने वाली हैं। प्यार के मामलों में अच्छे नतीजे मिलेंगे। आप अपने प्रिय को साथ लेकर कहीं घूमने जा सकोगे। आपके खर्चे काफ़ी अधिक रहेंगे। परिवार का माहौल आपको खुशी देगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। व्यापारी अपने व्यापार में धन लगाकर नए कार्य का प्रारंभ कर सकेंगे और भविष्य के लिए योजना भी बना सकोगे। प्रेम प्रसंग के प्रति झुकाव बना रहेंगे और जिंदगी में अचानक से नए बदलाव होंगे। आपको प्यार मिलेंगे और सभी मनोकामनाएं पूरे होंगे। आपके घरों में खुशियों की दस्तक होंगे। नौकरी और काम धंधे में बहुत बड़े बदलाव होंगे तथा मिथुन तुला राशि वाले लोगों को अपने आने वाले समय में काफी ज्यादा तरक्की मिल सकेंगे। आपको अपने काम को सावधानी पूर्वक करने की जरूरत रहेंगे। आपको अपने व्यापार में आने वाले समय का लाभ उठाने होंगे, परंतु आपको धैर्य और सहन शक्ति के साथ काम लेने होंगे और उसकी स्थितियों को समझने का पूरा प्रयास करने होंगे। आपको संतान पक्ष से बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। यदि आप जमीन जायदाद में निवेश करते हैं तो आपको उसका अच्छा लाभ मिलेंगे और किसी पुराने निवेशों से आपको अच्छे खासे फायदे मिलेंगे। आपके विचारों में अद्भुत निखार देखने को मिलेंगे। आपके द्वारा की गई पुरानी भागदौड़ का आपको अच्छा नतीजा मिलेंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेंगे। अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखने के आवश्यकता रहेंगे। आपके बच्चों को आपके जीवन के हर क्षेत्र में खुशियां मिलेंगे और काफी ज्यादा आप तरक्की कर सकोगे। आपको अपने खोए हुए बिछड़े हुए प्यार के भी प्राप्ति हो सकेंगे। भगवान विष्णु की अपार दया दृष्टि आपके ऊपर होने वाली है, जिनके कारण पैसों से जुड़े आर्थिक तंगियों से छुटकारा मिलेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेंगे। आय में वृद्धि के साथ साथ रोजगार में वृद्धि होंगे। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। वाहन या किसी भी तरह की संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी होंगे। करियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में तरक्की के साथ साथ हस्तांतरण भी होंगे। अविवाहित लोगों के घर में विवाह के नए प्रस्ताव आ सकेंगे। आप कहीं निवेश करने की योजना बना सकोगे जो आपको अच्छी तरह से लाभ देने वाली होंगे और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेंगे। आपको आपके आसपास
आसपास के लोगों को प्रसन्न करने का काफी अच्छे मौके मिलेंगे। आपको उम्मीद से अधिक धन लाभ होंगे। आप एक बड़े व्यापार या समूह में साझेदारी करने का विचार कर सकोगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी समारोह में जाने का मौका मिलेंगे। लोग आपकी रचनात्मकता की सराहना करेंगे। वाहनों को सावधानी से चलाएं। आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जीवन में परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद रहेंगे। आपको मनोरंजन के नए अवसर मिलेंगे। आपको अपने शत्रुओं पर विजय मिलेंगे और कठिन परिस्थितियों से छुटकारा मिल सकेंगे। व्यापार में तेजी से धन लाभ होंगे। आप अपने सच्चे प्यार को पाने की हर संभव कोशिश कर सकोगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि जीवन में आपको भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। आप अपने मन को शांति से कार्य करने के कोशिश करें। व्यापार में अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। संपत्ति के बड़े कार्यों में अच्छे मुनाफे मिलेंगे। आपकी आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेंगे। शनिदेव का नाम लेकर धन प्राप्ति के किए गए प्रयास सफल होंगे। नौकरी के क्षेत्र में आप कोई नया कदम उठाने की कोशिश कर सकोगे और शिक्षा के क्षेत्र में आपको अपार सफलताएं मिल सकेंगे। आने वाले समय आप लोगों को आपका सच्चा प्यार अवश्य ही दिलाएंगे और कोई बड़ा धन लाभ भी आपको मिल सकेंगे जिनसे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां बिंदु।